30.4 issue of debenture as a collateral security. Now, collateral security means security given in addition to the principal security. That means collateral security क्या हुई कि suppose यहाँ पर आपने कोई चीज गिरवी रखी थी, है ना? Collateral principal security that means आपने जिस चीज के दम पे वो पैसे लिए उसके लिए भी एक सिक्योरिटी दी. सपोज अगर कल को अगर ये भी ना रहे तो हमारे पास एक और सिक्योरिटी है, उसके दम पे हम आपको पैसा मिल सकता है. सो इट इज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी, राइट? सेकेंड वन को हम किस तरह से बोलते हैं? आइदर वी कॉल एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी और वी कैन से एज अ सब्सिडरी. नाउ व्हेनेवर अ कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इट मे इशू इट्स डिबेंचर एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी which is in addition to the principal security. That means यहाँ पर बैंक से जब भी लोन लिया जाए, कंपनी लेती है, तो साथ साथ में उनकी सिक्योरिटी जो है वो तो देती ही है, बट एज ए डिबेंचर भी कितनी बार देने पड़ते हैं एडिशनल सिक्योरिटी. रीजन क्योंकि कल को उठ के अगर बैंक का ये कहना हुआ कि यार आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस एरिया पे है जहां पर है तो उसके कंपेयर में इतना लोन सफिशियंट नहीं हो पाएगा. नो डाउट कि आज के टाइम पे लैंड और बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है, लेकिन स्टिल बैंक उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से देखती है. सीधी सी बात है, बैंक भी अपना प्रॉफिट ही जनरेट करेगी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प कर दे. सीधी सी बात है, प्रॉफिट जनरेट करना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी लैंड की जो कीमत है वो उस हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी. एंड एट द एंड क्या होगा कि भाई आपको अगर लोन चाहिए तो आपको एडिशनल सिक्योरिटी देनी होगी, दैट मींस और सिक्योरिटी देनी होगी, क्योंकि आप जो लैंड बता रहे हो उस पर आपको जितना सफिशिएंट पैसा चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, थोड़ा एडिशनल चाहिए हमें. तो उस टाइम पे पर्टिकुलर बैंक क्या कंपनी क्या करेगी कि अपने कुछ डिबेंचर भी किसको दे देगी? बैंक को दे देगी. नाउ सच एन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज नोन एज इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. कोलैटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इशू किए गए, इसलिए इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी. नाउ the lender will have a right over such debentures only when company fails to pay the loan amount and principal security is exhausted. That means jinhone bhi company ne jiske paas se bhi loan liya tha to wo particular person, or we can say person ho ya koi institute ho, isne yahan pe lender de diya gaya hai ki jiske paas se company ne paise liye ho, agar company fail ho jati hai ki bhai main tumhare loan ki amount nahi de pa raha, है ना, कंपनी फेल हो गई कि एक बार दो बार तीन महीने तक पैसे ही नहीं दिए जा रहे, तब एट द एंड क्या होगा, कंपनी ने जिसके पास से लोन लिया था तो वो पर्टिकुलर लेंडर उस कंपनी का मालिक बन जाएगा, है ना. सीधी सी बात है, कोई भले आप मुझे मेरा पैसा नहीं दे पा रहे हो तो सीधी सी बात है, अब आपकी जो एसेट है जिसके बेसिस पे आपने लोन लिया था वो अब मेरी. नाउ इन केस द नीड टू एक्सरसाइज दिस राइट डज नॉट अराइज, डिबेंचर विल बी रिटर्न बैक टू द कंपनी. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बिकॉज कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन लोन. देखो ये एक चीज पढ़ने जैसी है, हमें पता है कि हम डिबेंचर से अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना होता है, बट इफ अगर कंपनी एक ही इंस्टीट्यूट की यहाँ पे बात की जाएगी, अगर कंपनी ने सपोज कोई कंपनी है और वो XYZ बैंक है ना, इनके पास से क्या ले रही है, इनके पास से एज अ लोन ले रही है, XYZ बैंक के पास से लोन ले रही है ये बैंक, सॉरी ये कंपनी. अब हमें ये भी पता है कि कंपनी जब भी डिबेंचर इश्यू करती है तो एट द एंड कुछ टाइम तक उन्हें क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, प्रॉपर? दैट मींस हमने लोन लिया है तो जितनी सफिशियंट अमाउंट चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई, हमें और पैसा चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या इश्यू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए बैंक को जितनी अमाउंट के चाहिए थे. नाउ द पॉइंट इज कि हम ऑलरेडी जब भी आपको पहले ही बताया गया है कि जब भी लोन वर्ड हो, लोन जैसा वर्ड अगर आ रहा है तो डेट मींस क्या होगा, इसके अंदर विथ इंटरेस्ट ही पे होता है लोन, हमेशा लोन के साथ विथ इंटरेस्ट ही जाता है, विदाउट इंटरेस्ट नहीं होता, उसे लोन नहीं कहा जाएगा, बराबर? So, यहाँ पे बैंक कंपनी ऑलरेडी लोन पे लिया है, दैट मींस उसे इंटरेस्ट तो देना ही होगा XYZ को, साथ ही साथ उसने डिबेंचर भी इशू किए, तो इसका ये मतलब नहीं है तो यहाँ पर कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगी, किसको? बैंक को. क्यों नहीं देगी?
क्योंकि ऑलरेडी वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, इसलिए ये दोनों चीज एक ही जगह पर है, इसीलिए एक पे इंटरेस्ट लग रहा है, वो किस पे? लोन पे। उनके डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। ये भी होगा कि सर ऐसा क्यों, एक पे लग रहा है एक पे नहीं लग रहा है? देखिए सीधी सी बात है, बैंक भी लोन पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगी? क्योंकि भाई कंपनी वाले कितना चार्ज करते हैं कर करके 8% प्रॉफिट पर आपको देंगे, 10% देंगे। बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखो तो स्टार्ट होता है मे बी 15-25% का अराउंड। सब बैंकों में अलग अलग, इफ अगर कहीं पर्सनल लोन पे चले जाओ तो वो तो अलग ही है, 22% के अराउंड है, ठीक है, सब जगह अलग अलग है। इसलिए बैंक का बेनिफिट किसमें है? जितने ज्यादा परसेंटेज होंगे उतना फायदा है, तो डिबेंचर के कंपेयर में तो उन्हीं का लोन परसेंटेज है वो ज्यादा है, इसलिए बैंक भी उसी परसेंटेज पे फोकस कर दिए। कौन सा है? लोन वाले पे। देन इन अकाउंटिंग बुक ऑफ द कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी क्रेडिटेड इन टू वेज, कैन बी क्रेडिटेड इन टू वेज। नाउ द फर्स्ट इज नो जर्नल एंट्री टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। नाउ हियर जर्नल एंट्री आर नॉट पास्ड इन द बुक्स, हाउएवर डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोन बाय द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इन नोट टू अकाउंट्स बिलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर नॉन करंट लायबिलिटी इफ इश्यूड फॉर ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म लोन और बिलो शॉर्ट टर्म लोन। दैट मींस यहां पे आप कभी भी लोन ले रहे हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के बेसिस पे तो आप यहां पर अकाउंटिंग बुक्स में उसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि कोई भी कोलेटरल लोन जो होता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, आइदर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, तो उसे आप स्पेसिफिक एक नोट के अंदर जनरेट करो, है ना, नोट के अंदर उसे स्पेसिफाई बता सकते हो, बैलेंस शीट में या अदरवाइज कहीं पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बोरोइंग अंडर करंट लायबिलिटी इज इशूड फॉर ऑब्टेनिंग शॉर्ट लोन, इज सिंपल सी बात है, शॉर्ट लोन किस में आ जाएगा? करंट लायबिलिटी में आएगा। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7, नाउ हियर ऑन 13/9/2014 X Limited obtained a bank loan of rupees 8 lakh. Prepayable after 5 years for this company issued 9% debenture as a collateral security. Now, show the loan in the balance sheet of the company and prepare note to account. अभी तक हमने जितनी थियरी पढ़ी उसी के बेसिस पर आपको एक सम दे दिया गया है जिसके अंदर क्या बताया कि भाई बैंक लोन जो है वो कितना है आपका 8 लाख रुपीस है जो प्रीपेबल है, कब देना है? 5 साल के बाद। साथ ही साथ कंपनी ने यहां पर डिबेंचर इशू की है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी है वो। सो अब आपको लोन के रिगार्डिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको इसकी एंट्री करनी है एंड साथ ही साथ बता दिया है कि प्रिपेयर टू प्रिपेयर नोट्स टू द अकाउंट्स। सो एक्स वाई जेड लिमिटेड, सबसे पहले एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट एज एंडेड ऑन 31/3/2014, है ना। अब ये मत पूछना किस बार यहाँ पर ये डेट क्यों आई, यहाँ पर तो ये डेट है, पर चलो इस डेट पे तो बैंक एक्स वाई जेड लिमिटेड ने पैसे लिए हैं, है ना, इस डेट पे पैसे लिए हैं। बैलेंस शीट हमेशा कब बनती है? एट द एंड ऑफ मंथ, आइदर कैलेंडर ईयर फॉलो करेंगे वो अकाउंटिंग ईयर में, ये आता है कैलेंडर ईयर में, बराबर, एंड ईयर यहां पे जो भी, बराबर। चलिए बैलेंस शीट देखो किस तरह की बनेगी। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी में देखिए कुछ भी है नॉन करंट में? बिल्कुल भी नहीं। नाउ लॉन्ग टर्म बोरिंग में कैसे पता चला लॉन्ग टर्म बोरिंग है? आफ्टर 5 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स दैट मीन्स इट कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म। कितना है? 8 लाख रुपीज। 8 लाख बताया गया था कि कोलेटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अगर कुछ लिया जाए तो उसे आप किसमें लिखेंगे? अलग से लिखा जाएगा नोट के अंदर। सो नोट टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन बैंक लोन सिक्योरिटी बाय इशूड एट 9% डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, कितनी थी? 8 लाख रुपीज के आपने इशू करी, किस बेसिस पे? कोलेटरल सिक्योरिटी पे, है ना। चलिए ये जनरली अगर इफ अगर एग्जाम में आया भी तो हार्डली 2 से 3 मार्क्स में ही आएगा, बराबर, चलिए, क्योंकि ऐसे सम के आने के चांसेस थोड़े कम है
लेकिन स्टिल बोल नहीं सकते क्योंकि 2 से 3 मार्क्स है तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट एक और आ जाओ 1/3/2014 व्हाई लिमिटेड ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म लोन। अब यहां पर देखो लॉन्ग टर्म की जगह क्या बोल दिया गया है, शॉर्ट टर्म लोन दैट मींस लेस देन 1 ईयर। सो द कंपनी इशूड 12,000 डिबेंचर्स एट 9% इंटरेस्ट ऑफ 100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर द सेम। दैट मींस कंपनी यहां पर लोन कितने का ले रही है, शॉर्ट टर्म लोन 10 लाख रुपए का लोन चाहिए कंपनी को। उसके सामने कंपनी कितना जनरेट कर रही है भाई, 12,000 किस डिबेंचर्स, और उसमें हर एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज। दैट मींस अगर इसका टोटल किया जाए तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 12 लाख रुपीज। कंपनी को 10 लाख रुपीज चाहिए, उसके सामने कंपनी कितना इश्यू कर रही है, कितना करा रही है, 12 लाख के डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दे रही है ना, क्या दे रही है, कोलैटरल सिक्योरिटी। नाउ शो लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एंड प्रिपेयर नोट ऑफ द अकाउंट। चलिए सीधी सी बात है, बैंक के पास से लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन है, दैट मींस इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग व्हिच कम्स एज 10 लाख देन नोट के अंदर आप स्पेसिफाई कर दोगे कि भाई शॉर्ट टर्म हमने लोन लिया है कितना, बैंक का लोन 10 लाख रुपीस का, और सामने सिक्योर्ड इशू हमने कितना दिया है, सिक्योरिटी इशू बैंक को ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि आप जितने भी लोन अगर चाहिए आपको कि भाई मुझे चलो 100 रुपए चाहिए, एक एग्जांपल है, तो आप सामने जो वैल्यू रखोगे है ना, या सामने कोई पर्टिकुलर एसेट रखोगे या किसी की वैल्यू रखोगे, तो उसकी वैल्यू मोर देन 100 होनी चाहिए है ना, मोर देन 100 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा 100 रुपए की चीज तो ले रहा हूं मैं तो 100 रुपए बैंक के पास ले रहा हूं तो मुझे भी 100 रुपए जैसे ही कुछ चीज होगी गिरवी रखनी होगी, नहीं नहीं आपको उससे ज्यादा रखना होगा, क्योंकि आपकी जो भी अपनी जरूरत है ये आपने कैसे लिए, अभी करंट टाइम के हिसाब से लिए बराबर, कि आज आपने पैसे ले लिए तो क्या कल आप पैसे पूरे चुका दोगे, नहीं आप तो कल तो पैसे दोगे नहीं, आप दोगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, आइदर 3 मंथ के बाद हो जाएगा या 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद। तो इसमें बैंक का फायदा क्या हुआ बराबर, बैंक का फायदा क्या हुआ, नो डाउट बैंक यहां पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बैंक यहां पे आप सभी से इंटरेस्ट अगर चार्ज भी करती है, लेकिन स्टिल बैंक का फायदा क्या, कल को उठकर आपने पैसे ही नहीं दिए कि नहीं दे रहा जाओ क्या कर ले, तो बैंक क्या इतने पहले 1 साल तक या 6 महीने तक बैंक नोटिस भेज रही है कि अरे आपने अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, उसके सामने बैंक का पैसा तो अटक गया और सामने कितने 6 महीने तक पैसा नहीं आया, बैंक ने पैसे दे दिए तो बैंक का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर उसने सेम एसेट 100 रुपए वाले ही रख दी थी तो बैंक का फायदा क्या हुआ, मतलब एक जगह पैसे कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किए और 6 महीने तक कोई रिजोल्यूशन नहीं आया बराबर। इसीलिए बैंक क्या करती है, बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट जब भी लोन लिया जाए उससे हायर अमाउंट रखती है कि कल को उठ के अगर तुम नहीं भी आए या तुमने नहीं पैसा दिया स्टिल बैंक का एकदम प्रॉफिट के साथ ही उनका वसूल हो जाएगा बराबर। सेम यहां पर ऐसा है, लोन की अमाउंट कितनी जा रही है आपकी, लोन की अमाउंट है 10 लाख रुपीज की, बट इज अ सिक्योरिटी अमाउंट हम टोटल कितने जा रहे थे, देखिए हमने 12 लाख के अराउंड कोलैटरल सिक्योरिटी यहां पर दी जा रही है ना, रियल में भी ऐसे ही होता है, आपको देना ही होता है इतना कंपलसरी है ना। चलिए नाउ सेकंड आ जाते हैं, एंट्री टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द कंपनी। कंपनी की बुक्स के अंदर आप इसकी एंट्री करेंगे तो किस तरीके से होगी, चलो जर्नल एंट्री इज मेड ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज डेबिट बिकॉज No cash is received for such issue. बराबर यहां पर देखिए एक चीज समझने से है कि यहां पर आपने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, हम लोग क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आता है हमारा डिबेंचर कब, जब हमको बैंक टू डिबेंचर होते हमारी एंट्री क्या हो जाती थी, बैंक टू डिबेंचर, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता था हमारे पास कैश रिसीव होता था, कैश हमारे पास
आता था, बट यहां पर अब क्या हुआ है, जब आपने बैंक के थ्रू गए हैं, हमने बैंक से ऑलरेडी लोन ले लिया है, बराबर, बैंक के पास से क्या ले लिया है, लोन लिया है हमने, हमारे डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी के तौर पे वहां पे दे दिए, तो यहां पर हमारे डिबेंचर तो चले गए किसके पास, बैंक के पास। क्या बैंक ने उस चीज के लिए पैसा दिया? नहीं, ये तो सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दिया हमने, तो इस बेसिस पे बैंक ने हमको क्या दे दिया भाई, लोन दिया है, बराबर, दोनों की एंट्री आएगी। लेकिन डिबेंचर वाले में कोई पैसा आया है क्या? बिल्कुल नहीं, उसकी एंट्री हम यहां पे देख रहे हैं। सो एंट्री किस तरीके से हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ हियर नंबर ऑफ कितने डिबेंचर दिए, एक की प्राइस क्या थी, और उसके सामने आपने कितनी कोलैटरल सिक्योरिटी की अमाउंट रखी, ठीक है। सो व्हेन द अमाउंट, व्हेन द लोन इज पेड, द एंट्री इज कैंसल्ड बाय मींस ऑफ अ रिवर्स एंट्री। ये बात कब की जा रही है, जब आपने लोन लिया था, अब जब उसको लोन को पे भी कर दोगे, किसको, बैंक को, जितने पैसे लिए थे उतने पूरे पैसे आपने दे दिए, तो सेम यही एंट्री क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, बराबर, यहां पर आपको बैंक की तरफ से कुछ मिला, नेक्स्ट हो जाएगा कि हमने बैंक को दे दिया, एंट्री ऑपोजिट, दैट मींस नील ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो इन द बैलेंस शीट डिबेंचर इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर डिबेंचर्स। नाउ हियर डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी आर रिलेटेड टू द loans, therefore they are shown in the same note of accounts to which the loan secured by debenture is shown. For example, if the loan is shown as long term borrowing, debenture issued as collateral security are shown as a long term under non current liability in the equity liability and the part of balance sheet. For example, aap samajhna kya bataya ja raha hai. Now here, if the loan is shown on the long term borrowing, जब आपको जो specific loan है वो बताया जा रहा है कि कैसा, कि भाई long term purpose के लिए regarding वो loan लिया गया है, and तो उसी के लिए आपने क्या किए, debentures issued किए, क्योंकि amount भी ज्यादा हो, इसलिए सी बात है, हम future के regarding अगर कुछ देखते हैं तो amount छोटी नहीं होगी, वो amount थोड़ी as compared to current time period ज्यादा ही होगी, बराबर, उसके लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। सो वो कहां पर आप बताओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर, किस में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। क्यों नॉन करेंट लायबिलिटी में आया, करेंट का मतलब क्या हुआ, अभी का साल है ना, अभी हमारा ईयर कौन सा है, अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, 2020-2021, अभी का फिलहाल अकाउंटिंग ईयर तो यही चल रहा है, करेक्ट, अकाउंटिंग ईयर हमारा यही चल रहा है, तो अभी के लिए ये क्या हो गया हमारे लिए, करंट। बट हम लोन कैसा ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, दैट मींस एक साल से ज्यादा है, या पांच साल से ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है, तो दैट मींस तब क्या होगा, वो करंट पीरियड होगा, नहीं ये तो करंट नहीं है, आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, सो दैट्स व्हाई दे रिटन एज नॉन करंट लायबिलिटी। व्हाई लायबिलिटी, क्योंकि पे करने है भैया, हमने बोरो किया है, हमें दिया नहीं है, हम सामने से लेके आए, लायबिलिटी है, चुकाना पड़ेगा, इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। सिर्फ यहां पर आपको इतना ही बताया है कि किसके अंदर कौन सा फॉर्म आएगा, नाउ दैट्स इट। चलिए नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9, XY Limited obtained a term loan of rupees 8 lakh from bank on 1st January. अरे ये तो हजारों साल पीछे चले गए, चलिए ये आ जाए 2014, ठीक है 2014 कर लेना। Then XY Limited obtained a term loan लिया है 8 lakh rupees का 1/1/2014 को। Now here issued amount दी गई है, specify देखना आप लोग, यहाँ पे इशू क्या किए गए हैं, 10 लाख रुपीस के शेयर यहाँ पे डिबेंचर इशू किए गए 9% इंटरेस्ट रेट के सामने, 100 रुपीस ईच है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है। ना 100 रुपीस ईच है मतलब 10 लाख का है, 10 इनटू 100 नहीं करना है, ऑलरेडी आपको अमाउंट में ही दिया है, देखो
रुपीज में ही दिया है। यहाँ पर अगर आपको चेक करना हो कि कितने ऐसे कितने डिवेंचर दे, तो सीधी सी बात है एंड लाइक डिवाइड बाय 100, करेक्ट। सीधी बात है, कितना हो जाएगा 10,000 बराबर, कितना हो जाएगा 10,000। Then pass necessary general entry, prepare balance sheet and the note. Same to same entry आएगी हमारी, अभी हमने ऊपर देखी क्या आएगी, bank account debit to bank loan 8 lakh rupees, ये किसके आएगी हमारी books के अंदर entry आएगी। हम bank के पास से क्या लाए, पैसे आए, सीधी सी बात है 8 lakh rupees जो आएगा आपको, वो सर यहाँ पे bank का account क्यों लिया भाई, मैं bank से अगर कोई पैसे ले रहा हूँ ना, मैं बैंक के पास से पैसे ले रहा हूँ तो क्या मैं जाऊंगा भाई मुझे 8 lakh rupees चाहिए लाओ दे दो कैश, नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कराऊंगा। लोन की अमाउंट इस तरीके से दी जाती है, आइदर आप कैश में भी ले सकते हो, बट स्टिल जब अमाउंट बिगर हो ना तो सेफ साइड है कि आप बैंक के थ्रू जाओ। तो बैंक जो है वो किसमें रहेगी, मेरा बैंक जो अकाउंट है उसमें जाएगा। So, debit what comes in, मेरे पास कितने 8 lakh rupees है, इसलिए bank account। Now, who is the giver, और हमने किस चीज के लिए लिए, as a bank loan लिया है, to bank loan account 8 lakh। ये कहाँ पर transfer कर रहे हैं हम लोग, ताकि पता तो हो कि भाई 8 lakh हमने company के अंदर क्या होगा, कि यार 8 lakh rupees लिए तो थे लेकिन किसने लिए थे वो तो पता ही नहीं होगा, इसीलिए कंपनी उसका स्पेसिफिक एक ledger बना देगी। क्या करेगी, लेजर बनाएगी, जिस लेजर का नाम क्या रखेगी कंपनी, बैंक लोन। दैट मींस हर साल इसको देखती रहेगी कि बैंक लोन का हमारा जो स्टेटमेंट है ना, हर साल हमारा जो बैंक लोन के नाम से, बैंक लोन के नाम से हमारा जो लेजर फॉर्म बना हुआ है तो क्या उसके अंदर एंट्रियां हो रही है या नहीं, बराबर। क्या जाएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, बैंक अकाउंट 8 lakh rupees बराबर। ये बैंक लोन उनको हर टाइम देखते रहेंगे कि भाई मुझे अभी भी 8 lakh rupees ऐसे पे करना है, पैसे लेके आया हूं मैंने, दिया नहीं है, इसको नील करना होगा, बराबर। सभी कंपनियां इस तरीके से ही लेजर फॉर्मेट फॉलो करती है। देन क्या आ गया यहां पर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9%, डिबेंचर अकाउंट कितना जा रहा है 10 lakh के, आपको यहाँ पे डिबेंचर है, दोनों की सिर्फ जर्नल एंट्री है और कुछ नहीं। इश्यूड 9% डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग लोन, करेक्ट। देन इसी के रिगार्डिंग क्या करना है आपको, आपको अपना बैलेंस शीट बनानी है, जो आगे हमने देखी फर्क क्या हो गया, सिर्फ आपने यहाँ पर एक दोनों की जर्नल एंट्री दी है, डेट सेट और कुछ नहीं। अब यहाँ पर सेम वही बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट थी हमारी, सो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट वन, वाई वन, क्योंकि नोट वन दिया हुआ है, इसलिए यहां पर वन स्पेसिफाई नहीं किया इन लोगों ने, नोट वन, ठीक है। कितना आया 8 lakh rupees, हाउ इट कम्स 8 lakh, सो लॉन्ग टर्म बोरिंग में कोई लोन फ्रॉम बैंक कितना था 8 lakh rupees था, साथ ही साथ में आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, कॉलेटरल सिक्योरिटी थी 10 lakh rupees, बट एज पर रूल हमने ये चीज पढ़ी है कि आगे रूल्स में भी दिखा है कि आप जब भी कॉलेटरल सिक्योरिटी देंगे, बराबर, तो उसे आप हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं होगा, उसे आपको एज अ नोट में ही लिख के रखना है, किसको, कॉलेटरल सिक्योरिटी को। वाई, क्यों ऐसा सर कि कोलैटरल सिक्योरिटी को हम बैलेंस शीट में लिख रहे, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपको वापस से उनके पास से लेके आना है, बराबर, वापस से उनके पास से आपको लेके आना है, सेम यही अमाउंट देनी है, यही लेके आना है। यहां पर ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हो रहा है, हमने एक चीज पहले पढ़ी थी कि अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम उसे यहां पर स्पेसिफाई करेंगे, बराबर। तो यहां पर देखिए, मैंने डिबेंचर के थ्रू इशू तो किया है लेकिन क्या मैं उस पर कोई इंटरेस्ट दे रहा हूं, नहीं, मतलब जितने पैसे दिए थे वो वैसे के वैसे मेरे पास आएंगे, ना बैंक उस डिबेंचर के ऊपर कोई चार्ज लगाएगी, क्योंकि बैंक ने वो चीज क्या लिए, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, किसके लिए, ओनली सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उस पर कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा या हमको इंटरेस्ट देना है, जब कोई चीज हो ही नहीं रही है
किसी भी तरीके का एक्शन हो रहा है इस चीज के ऊपर, जो भी मैंने सिक्योरिटी के तौर पे मैंने डिबेंचर इश्यू किए उस पर कोई भी तरीके का एक्शन हो रहा है नहीं, वो जैसा है वैसा ही है। तो डेट मीन्स इसलिए उसे हमारे जो बैलेंस शीट है उसके अंदर भी स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। ये तो जस्ट एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, नो डाउट यहाँ पर डिबेंचर इसलिए आप ऐसा लिखोगे। इफ अगर कोई लैंड होता तो क्या लैंड की कीमत आगे जाके कम ज्यादा होती जाती तो क्या आप वो भी लिखते? नहीं, वो तो हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया है सिर्फ, दैट्स इट। सेम उसी जगह पे लैंड की जगह पे आपने डिबेंचर दिया हुआ, दैट्स इट, करेक्ट। चलिए बराबर, सो लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख कंप्लीट, कितना हो गया 8 लाख आया, इसलिए 8 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आपकी वैल्यू आ गई, बराबर। चलो Now, come to the next 30.4. Answer the following in the one word. Now, name the security which is issued in addition to the principal security. So, this is what I do. मेरे ख्याल से इतनी बार पढ़ लिया आ गया होगा। Collateral security, है ना? Additional security के नाम से पता चल गया होगा। कौन सा आएगा? Collateral security. Then, which account is debited while making a journal entry in the books of company on issue of debenture as a collateral security? कौन सा आ जाएगा? Debenture suspense account. कौन सा आएगा? Debenture suspense account. Then, on which side of the balance sheet of a company issued debenture as collateral security in return the debenture suspense account? कौन सी साइड पे आता है ये? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में आपने कहा देखा होगा? एसेट साइड, कहा आएगा? एसेट साइड। व्हेन डज अ कंपनी इशू डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी? भाई कंपनी को ऐसी कब जरूरत पड़ जाती है कि कोलैटरल सिक्योरिटी भी करी जाए? व्हेन लेंडर डिमांड्स एडिशनल सिक्योरिटी, बराबर। जब लेंडर क्या बोलेगा कि नहीं भाई मुझे थोड़ा और सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जितनी अमाउंट आप ले रहे हो उतनी स्पेसिफिक, तो जो भी आप चीज गिरवी रख रहे हो या एसेट बता रहे हो उसके सामने इतनी पर्टिकुलर अमाउंट में आपको दे ही नहीं सकता। आइदर दो ऑप्शन है, या तो जितनी आपने एसेट बताई है मॉर्गेज करने के लिए उस बेसिस पे आपको मैं लोन दे सकता हूँ, उतनी अमाउंट दूंगा, या तो आपको जितनी अमाउंट चाहिए, जितना सोच के आई है कंपनी कि भाई मुझे तो इतनी अमाउंट चाहिए, तो उसके कंपेयर में आप जो एसेट लाए हो मॉर्गेज के लिए भाई ये कम है, या इधर आप एडिशनल क्या चाहिए, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, बराबर। यहां पे देखिए बार बार एसेट का वर्ड यूज नहीं किया गया, यहां पर सिक्योरिटी पर्पस के रखा गया, ऐसी चीज जिसको हम इजिली कन्वर्ट कर सके मॉनेटरी टर्म्स में, है ना, इसलिए, क्योंकि भाई सिक्योरिटी चाहिए भी कल को उठ के अगर कंपनी का पैसा ना हो, लेकिन हाँ ये कह रहे मेरे पास ज्वेलरी है गोल्ड दे दो, सिक्योरिटी पर्पस के लिए चाहिए, ऐसे चीज जिसे मैं इजीली कन्वर्ट कर सकूं, बराबर, वो भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नाउ 30.5 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन केस कंपनी इश्यू डिबेंचर ऑन डिस्काउंट। यहां पे क्या हुआ है, जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए किस बेसिस पे, डिस्काउंट के साथ, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज नॉट चेंज्ड इज नॉट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी इन द अकाउंटिंग ईयर इन व्हिच दिस डिस्काउंट इज अलाउड। नाउ द अमाउंट ऑफ सच डिस्काउंट इज वेरी हैवी एंड द कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम द लोन by issuing debenture over a number of years, hence some part of amount of discount is written off every year, generally it is written off prior to the redemption of these debenture. यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कभी भी डिबेंचर इश्यू करती है तो उसे डिस्काउंट के साथ देती है, नो डाउट डिस्काउंट इज अ वन काइंड ऑफ लॉस फॉर द कंपनी, बट स्टिल इट गेट्स द अर्निंग सोर्स बाय द कंपनी, कि कंपनी को जब डिस्काउंट पे अगर दे रही है तो जो नंबर ऑफ बायर है वो अट्रैक्शन जल्दी आएगा, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट में दे रही है, सीधी सी बात है, आज की तारीख में कहीं भी हमें भी डिस्काउंट दिखता है, सो नो डाउट
कोई ना कोई जाता है, बात करता है, पता चलता है, और एक बार विजिट तो एटलीस्ट लिया ही जाता है, है ना। अभी भी फिलहाल बहुत से बोलो में फेस्टिवल्स ऑफ चल रहे हैं, बहुत से 50% 70% फ्लैट चल रहा है, ठीक है, तो बॉस दिन जाते हैं। देन एज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस। नाउ इट इज शोन एज ऑन द एसेट साइड, कहां पर बताया जाता है इसे, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में, किधर साइड आता है ये, एसेट साइड पे आता है, अंडर द हेड ऑफ, कौन से हेड में आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में, इसमें आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अंटिल एंड बाय द अमाउंट इज नॉट रिटन ऑफ, जब तक ये लिखी ना जाए तब। नाउ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट कैन बी रिटन ऑफ इन टू वेज, दो तरीके हैं, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, दैट ऑल डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, है ना, ऑल डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, दैट मींस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया, क्या होगा कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम में हम हमारे डिबेंचर को फिर से रीइश्यू करेंगे, बराबर, जितने दिए सपोज 100 डिबेंचर को एक साल के लिए दिए, उनको पैसे दे दिए, वापिस से हमारे डिबेंचर आ गए, नाउ नेक्स्ट उसे हम फिर से इश्यू करेंगे। ये चीज आप ऑलरेडी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में देख चुके हो, जिसमें था पहले अगर हमने एक्चुअल पे दिए या अब डिस्काउंट पे इशू कर रहे, या पहले हमने प्रीमियम पे दिए थे क्या अब पार पे दे रहे, एक्चुअल प्राइस पे दे रहे, वो फाइव स्टेजेस आपने ऑलरेडी देख चुके, हमारा सम भी उस पे कर चुके। सो अब उसी के रिगार्डिंग अगर उसमें डिस्काउंट की रिगार्डिंग आती है एंट्री, तो आप किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में स्पेसिफाई करोगे। So, when the debenture are to be redeemed after a fixed period, the amount of discount will be distributed equally within the number of years spread between the issued debenture and their redemption. क्या बताया गया कि equally आपको यहाँ पे distribute करना होगा, क्या जितनी आपने discount दिया है ना, all over वो share के ऊपर, debenture जो share है उसके ऊपर आपने total जितना discount दिया है, वो आप जितने नंबर ऑफ इयर्स तक के लिए अगर आपने दिया है, सपोज मैंने कोई डिबेंचर है, कोई भी एक डिबेंचर है और उसकी कीमत मतलब 100 रुपीज थी, ठीक है, 10 रुपए उसके ऊपर डिस्काउंट है, डेट मींस की प्राइस 90 हो गई, ऐसे हजारों शेयर थे, बराबर, कितने हजार शेयर थे, डेट मींस अगर इसके डिस्काउंट देखा जाए, सॉरी 10,000 के ऊपर थे, तो ऑल ओवर डिस्काउंट अगर बोलू तो 1,000 रुपीज हुआ, समझो डिस्काउंट कितना हो गया, 1,000 रुपीज मैंने कितने टाइम के लिए दिए, 2 साल के लिए मैंने डिबेंचर्स जनरेट करे, ये भाई 2 साल का ये है, तो अब क्या मैं पहले साल जो फर्स्ट ईयर है उसमें 1,000 रुपीज डिस्काउंट लिख दूं, भाई मेरा तो ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस लो दिखाएगा, इस बात है ना, क्योंकि मैंने 1,000 रुपीज माइनस कर दिए, सीधी सी बात है, मैंने डिबेंचर कितने पीरियड के लिए दिए, 2 साल के लिए, तो सीधी सी बात है ऑल ओवर डिस्काउंट जो है उसे डिवाइड करूंगा 2 से, दैट मींस हर साल का कितना हो गया 500 रुपए, तो यहां पे मैं 1000 नहीं 500 एज अ डिस्काउंट के तौर पे जनरेट करूंगा, करेक्ट। हमेशा देखिए किस तरीके से इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर to be written off each year is calculated as amount of discount to be written off annually. क्या बताएंगे? Annually. हर साल आप किस तरीके से calculate करेंगे? तो भाई एक ही है formula. Amount of discount on issue of debenture, number of years after which debts have to be redeemed. Correct? चलिए ये चीज हम हमारे illustration के थ्रू देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको clear हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो अ कंपनी इश्यूज 10,000 डिबेंचर, सॉरी इट्स अ 1,000 डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच। नाउ हियर 1,000 डिबेंचर्स यहां पर एक कंपनी इशू कर रही है जिसके सामने 1,000 ईच डिबेंचर की प्राइस है, जिसके सामने आपको 10 रुपीज क्या है डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10 रुपीज रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद से यही कंपनी
वही कंपनी 5 साल के बाद सेम यही शेयर फिर से इशू कर रही है, बट यहां पर वो 10% के डिस्काउंट के साथ इशू कर रही है। कितने? सेम इतने ही शेयर्स, कुछ बताया नहीं गया, दैट मींस इतने ही शेयर हुए। कितने? 1000 रुपीज ईच है, इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%। सो एक्चुअल अमाउंट में क्या अमाउंट में वो रिसीव होगा, कितना डिस्काउंट होगा और 5 साल तक चलाना, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर। रिटर्न ईच ईयर हमने आगे ही इसमें पढ़ा कि जितनी भी डिस्काउंट की अमाउंट है, तो आप जितने पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, हम उन सभी ईयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट। सो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा? नाउ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, सबसे पहले स्पेसिफाई करो कि टोटल अमाउंट कितनी आ रही। सो 1000 ऑफ शेयर्स इनटू क्या गया यहां पे, पर शेयर प्राइस, करेक्ट, इनटू 10 क्या है आपका परसेंटेज वैल्यू है, इनटू अपॉन 100। अमाउंट कितनी आ गई आपकी? 1 लाख रुपीज। अमाउंट कितनी आई है? 1 लाख। नाउ 1 लाख को क्या करना, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, कितने साल तक का? 5 लाख, दैट मींस 5 लाख डिवाइड बाय 5000, दैट मींस हर साल आप कितने अमाउंट डिडक्ट करेंगे? 20,000 आप डिडक्ट करेंगे एज अ डिस्काउंट के तौर पर। कितने साल तक? 5 साल तक। नील हो जाएगी 5 साल तक, 20,000 करेंगे, तब 1 लाख टोटली कवर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए किस तरीके से होता है यहाँ पे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री आपकी किस तरीके से आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, एंट्री क्या होगी? 20,000। एंड आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो एंट्री होगी 20,000, ये आप आने वाले 5 साल तक, 5 इयर्स के लिए आपने रिगार्डिंग लिया है, आपका तो ओवरऑल देखा जाए 5 इयर्स का तो 1 लाख रुपीज होता है ना, बट आप हर साल आप कितना कर रहे हो? 20,000 आपने एज अ डिस्काउंट के तौर पर माइनस कर रहे हो, तो कितने साल तक 20,000 की इफेक्ट आएगी? 5 इयर्स तक। 5 इयर्स तक सेम आप यही इफेक्ट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न। क्लियर? चलिए सेम आप इसी को आइदर आप इलस्ट्रेशन बता दो या आपने वन टाइम इलस्ट्रेशन बता दिया कि भाई एंट्री कुछ इस तरीके से आएगी। नाउ डिबेंचर डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो अकाउंट है, जो इन्हीं का अकाउंट है, हमने बताया प्रॉपर एक लेजर बनाते हैं तो उनका 5 साल तक हमको प्रिपेयर करना है, तो सीधी सी बात है अकाउंट आप बनाओ। नाउ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 जनवरी डिबेंचर अकाउंट बता दिया गया आपको, डिबेंचर अकाउंट कहते हैं भाई 1 लाख रुपीज का हुआ जिसका डिस्काउंट था, डिस्काउंट का अकाउंट में डेबिट, करेक्ट, एंट्री आपको पता चली होगी डिस्काउंट टू डिबेंचर, है ना, ये क्या हो गया डेबिट टू डिबेंचर, फर्स्ट एंट्री हमारी कितने की? 1 लाख रुपीज वाली, करेक्ट, ये आ गया इधर साइड पे 1 लाख रुपीज। देन इसी में से क्या हुआ 20,000 एज अ डिस्काउंट के लिए जो ऊपर हमने एंट्री देखी अभी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑफ इश्यू एंड डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ये 20,000 हो गया। नाउ हायर अमाउंट डेबिट में से क्रेडिट माइनस, रिमेनिंग बैलेंस कितना आया 80,000, वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड, है ना, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा या ब्रॉड फॉरवर्ड 80,000, सेम हम 20,000 माइनस करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, अगेन 20,000, 80,000 में से 20 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस इज 60,000, सेम ये प्रोसेस चलती जाएगी, कितने साल तक करना है? 5 साल तक, करेक्ट, 5 साल के आगे नहीं जाना हमको, मैं इसे जा भी नहीं पाएंगे। चलिए 60,000 था, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होगा यहां पे 1 जैन, थर्ड ईयर है बैलेंस बीडी, 31 दिसंबर अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 20,000 माइनस एज अ डिस्काउंट, आप स्पेसिफाई कर सकते हो करना हो तो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो पता चल ही जाएगा कैसे भाई आपने लेजर की तो डिस्काउंट का बनाया है,
बराबर सीधी सी बात है ना, बैलेंस शीट कितनी आ गई 40,000 ना, ट्रांसफर टू दी फोर्थ ईयर 40,000 अगेन प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 माइनस, सेम क्यों चल रहा है क्योंकि सेम ही आई थिंक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए, बराबर अमाउंट कितनी 40 40 20,000 एज अ बैलेंस शीट। नेक्स्ट ट्रांसफर क्या हो जाएगा उनके फिफ्थ ईयर में, ये चीज हो जाएगी ट्रांसफर है ना, फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगा ट्रांसफर बैलेंस बीडी प्रॉफिट एंड लॉस में से 20,000 दोनों क्या हो गया 10 करेक्ट, दैट मींस 5 साल तक हर किसी को हर ईयर डिस्काउंट प्रॉपर आया। समझो अगर पहले ही साल में मैं 1,00,000 का डिस्काउंट लिख देता तो कंपनी को लॉस कितना बड़ा दिख जाता, बराबर यहां पर अगर सबसे पहले लॉस हो जाता तो बाद में प्रॉफिट और दिखता, फर्क क्या पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो आपका बैलेंस शीट के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं। सपोज अगर इस साल में कंपनी पूरी लॉस में दिख गई तो हर किसी को क्या होगा, भाई यहाँ पे पैसे मत डालो ये तो पूरा लॉस में चले गए, क्या पता अगले साल प्रॉफिट करे या ना करे। इसीलिए हमें हर साल इक्वली दिखाना, आइदर कोई कंपनी इस तरीके की पोजिशन पे है ना, ठीक है ना, लॉस में ना प्रॉफिट में ठीक है, अगर ऐसा चल रही है स्टिल ओके, बट सडनली कंपनी चलते चलते एकदम ऐसी हो जाए, अगर इस तरह का स्लोप आ गया तब क्या होगा हर किसी को, भाई इसमें से पैसे निकाल लो ये तो डूबने वाली है, तो ये स्लोप कहीं ना कहीं और नीचे ज्यादा चला जाएगा एक ही झटके में। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि इक्वल ले लेती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी कुछ इस तरीके से मूव करती है, एकदम प्रॉफिट धीरे 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 एक रेस क्या जाती है ऊपर बढ़ती जाती है, अपवर्ड स्लोप बहुत अच्छा होता है किसी के लिए डाउनवर्ड स्लोप के कंपेयर में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, डिबेंचर आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। सो डिबेंचर का किस तरीके से इंस्टॉलमेंट के तौर पर मंगा रहे हो, यहां पर एक चीज देखना इंस्टॉलमेंट के तौर पर चल रहा है, सो डिबेंचर में ऑल्सो बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट बट ओवर अ फिक्स पीरियड, यहां पर आपको एक फिक्स पीरियड दे दिया जाएगा। नाउ इन दैट केस द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर outstanding at the end of each year. So, illustration number 11. A company has issued 3,000 debentures of rupees 100 each with the percentage of 9% debenture charged each at discount of 10% if the debenture are to be redeemed in 5 equal installment. Calculate the amount of discount. Now here, calculate the amount of discount of issue of debenture to be written off each year and prepare discount of issue of debenture. यहाँ पर आपको पता करना है कि actual discount कितना दिया हमने, बराबर? The same formula हमारा वही होगा. Calculation of amount of discount on issue of debenture account. Clear? Formula पता है फिर से? Again. ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, कितने साल के था, 5 साल के लिए था ये करेक्ट, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए गाड़ेंगे। चलिए कितना हो गया यहाँ पे 3,00,000 रुपीस का ओवरऑल डिस्काउंट आया है। सो नाउ किस तरीके से बनेगा फॉर्मेट, चलिए ईयर एंडेड दिए हुए आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग दैट मींस बाकी है ना, वही आ गई हमारी। सो नंबर ऑफ रेशियो 5 साल का है, 5 साल के हिसाब से रेशियो बनाऊंगा 5 4 3 2 1, ओवरऑल कितना आ गया 15। सर ये कैसे हो रहा है, ये रूल है, मेथड है जिस तरह के निकाले, सो यू हैव टू बी एक्सेप्टेड इट। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कितने अमाउंट आप लेस करते जाओगे यहां पे, बराबर सेम दोनों का मेथड देखो एक ही है, आइदर आप इक्वली जाओ या कैसे भी जाओ। इन शॉर्ट यहां पर एक चीज है कि आपको 5 साल के अंदर 3,00,000 रुपीस है उसे क्या करना है, डील करना है, और वी कैन से 5 साल में आपको 3,00,000 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तरीका आपका, बराबर। सो सेकेंड एक मेथड है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, ये मेथड ये कैसी है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। नाउ फर्स्ट ये कितना है 30 लाख रुपीस, हाउ इट कम्स 30 लाख रुपीस, जस्ट अ सेकेंड, किस तरीके से आ रही देखिए यहां पर देख लेते अभी हम लोग। सो 3, 3, 3, 4 एंड ऑल करेक्ट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आई है डिबेंचर के रिगार्डिंग कि ये अमाउंट कुछ अलग आ रही है जो यहाँ पर आपको दी गई है उस पे से कंपेयर में, कि कंपनी हैज डिस्काउंट 33,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द रिडीमेबल इज इक्वल 5 इक्वल, अगर ये 5 पे अगर होता है तो चलिए इसके बाद में देखते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर है। ओवरऑल देखिए पहले कितना था 3 लाख रुपीज आया, 3 लाख को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 लाख × 5 बाय ओवरऑल रेशियो कितना आया 15, कितना आ गया 1 लाख। सेम वैसा ही होगा सेकंड ईयर के लिए 3 लाख × 4 बाय 15 कितना आया 80,000, सेम थर्ड ईयर के लिए 3 लाख × 3 बाय 15 60,000, 3 लाख × 2 बाय 15 40 एंड 3 लाख × 1 बाय 15 इक्वल्स टू 20,000। नाउ इन सभी का अगर आप टोटल करोगे ओवरऑल अगर इनका टोटल किया जाएगा ये सभी वैल्यू का तब कि कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे जो डिस्काउंट के आपने इंस्टॉलमेंट पे उसको कर दिया। यहाँ पर क्या किया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इक्वली इंस्टॉलमेंट में आपने यहाँ पे बता दिया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर देखिए किस तरीके से यार बताता हूं आगे, आ जाओ हमारे पहले इसके अंदर जर्नल एंट्री में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, जर्नल एंट्री तो आपको सेम ऐसी ही देनी होगी, टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 1 लाख, डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ करेक्ट। सिमिलरली एंट्री विल बी मेड एवरी ईयर विद रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यहां पर आपको एक एंट्री बता दी गई है, इफ अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसे बताया जाए तो मे बी आपको एक नहीं जितनी एंट्रियां थी वो आपको सारी एंट्री आपको बतानी होगी, जैसे 1 लाख की है। सेम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड ईयर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, नेक्स्ट ईयर की वैल्यू क्या हुई थी 80,000, नेक्स्ट थर्ड ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट 60, 40, आप इस तरीके से अमाउंट लिखने जाओगे। जर्नल एंट्री आपको 5 के 5 साल की पूरी बतानी होगी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बता दिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू के बारे में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सो कितना आएगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर 1 जनवरी डिबेंचर अकाउंट 3 लाख रुपीज, डिस्काउंट कितना मिल रहा था 1 लाख का, बैलेंस शीट कितनी हो गई 2 लाख रुपीज, बैलेंस शीट कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट ईयर अगेन ब्रॉड फॉरवर्ड वहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ, सेकेंड ईयर में 2 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, ये ऑलरेडी हम यही सारे स्टेप ऊपर फाइंड कर चुके हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस। ये कैसी वाली मेथड है इंस्टॉलमेंट वाली है, कैसी है इंस्टॉलमेंट वाली है, चलिए बराबर। एट द एंड कितने अमाउंट आ गई 1,20,000, नाउ थर्ड ईयर में ट्रांसफर की जाएगी इसे, सो बैलेंस बीडी कितना आ गया 1,20,000 बैलेंस,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 लेस, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई 60,000, फोर्थ ईयर में ट्रांसफर 60,000, अगेन फोर्थ ईयर में कितना माइनस हुआ 40,000 डिस्काउंट का, 20 रिमेनिंग अमाउंट 20 बी, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे उसे आप ट्रांसफर, फिफ्थ ईयर 20,000 फर्स्ट जनवरी बैलेंस बीडी व्हिच कम्स एज 20,000, 31st दिसंबर प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 इक्वल। यहां पर जब ये इक्वल हो जाए तब समझ लेना कि आपका यहां पर पूरा सम करेक्ट आया, कैसा आया एकदम करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ ईयर 5 साल बोले तो 5 साल के अंदर आपकी ये अमाउंट नील होनी चाहिए, अगर ये नील नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है, करेक्ट। जितने टाइम पीरियड बोले हैं उतने टाइम पीरियड में ये अमाउंट नील हो जानी चाहिए, बराबर। रही बात ये 3000 की, सो 3000 इनटू 1000, करेक्ट, 3000 इनटू 1000 कितने हो गए नंबर ऑफ 30 लाख रुपीस हो गए, बेसिकली कितने हो गए यहां पे 30 लाख, सो 30 लाख में से अगर आप इसे माइनस भी करा जाए कितने हो जाएंगे 30 लाख माइनस 2000, 30 लाख माइनस यहां पे कितने है 6 लाख आए, 6 लाख, देन अगेन इसका डिफरेंस निकाला जाएगा तब कितना आएगा इसमें 30 आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीस 20, सो 60,000 तो क्या है हमारा यहां पे है अमाउंट, चलिए इसे हम बाद में देखेंगे किस तरीके से आएंगे, सब में कुछ गड़बड़ है यहां पे, ये जो स्पेसिफिक अमाउंट आई है कुछ अलग तरीके से ही आई है ना, वे ऑफ मेथड अलग है, इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से होगी, है ना। चलिए ये क्लियरली समझ में आया, एट द एंड आपका अकाउंट क्या होना चाहिए, डिस्काउंट और इशू का अकाउंट आपका यहां पे टैली कंपलसरी होना ही चाहिए, है ना। सो हमने बात करी थी कि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट किस तरीके से आ रही थी, है ना, तो यहां पर इन लोगों ने इसकी फॉर्मूला तो नहीं दी है लेकिन बेसिकली कैसा बताया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं 5, टोटल कितना आया था, टोटल शेयर्स को अगर काउंट कर रहे थे तो कितना आया था 30 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस हर साल आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी क्रिएट हो जाएगी, इफ अगर मैं हर साल जैसे डिस्काउंट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं जैसे हमने कैलकुलेट किया तो हर साल आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी, सीरीज पर 30 लाख डिवाइड बाय 5 सो इट कम्स एज 6 लाख रुपीस, सो आप हर साल आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी कम हो जाएगी 6 लाख रुपीस की आपकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, सो 30 लाख लेस 6 लाख ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, जब आप आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर ये अमाउंट आपको स्पेसिफिक माइनस होती दिखेगी, सो 30 लाख अगेन हर साल आपको कितने मिलेंगे 6 लाख रुपए माइनस करते जाओगे, आउटस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है, 30 लाख माइनस 6 लाख 24,000, अगेन 24,000 माइनस 6 लाख इट कम्स 18,000, 18 लाख, अगेन 18 लाख माइनस 6 लाख इट कम्स ऑन 12 लाख, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दैट मींस एट द फिफ्थ ईयर 6 लाख है, 6 लाख आउटस्टैंडिंग आपके क्लियर, यहां पर भी ये चीज कैसे हो गई नील हो गई है, बराबर। चलिए आउटस्टैंडिंग रिगार्डिंग आपको सब कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसे पहले अमाउंट में क्लियर कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते हैं एंड उसकी एक शेयर की प्राइस दी होगी तो उसके सामने ऑल ओवर एक बार टोटल कर लेना, ठीक है। चलिए